अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैप सीरीज़ में आज हम अपनी चौथी वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। अगर आप अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं तो पहले की जाने वाली तीन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज हम देखेंगे बेसिकली स्ट्रेट में और इस्थमस में क्या डिफरेंस है। तो चले पहले स्ट्रेट को डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रेट बेसिकली ये है जब दो लार्ज वाटर बॉडीज़ एक नैरो चैनल के ज़रिए आपस में मिली हों तो उसे हम स्ट्रेट कहते हैं। इसकी अगर एग्जांपल को डिस्कस करना चाहें तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है। यहाँ पे ये हमने क्या बात की कि दो लार्ज वाटर बॉडीज़ जब एक नैरो चैनल के थ्रू आपस में मिलें तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट। मैं इसको जूम करता हूँ आपके लिए। ये यहाँ पे देखिएगा कि एक लार्ज वाटर बॉडी ये वाली है, एक लार्ज वाटर बॉडी ये वाली है। ये दोनों लार्ज वाटर बॉडीज़ एक नैरो चैनल के थ्रू, मतलब एक छोटे रास्ते के ज़रिए, ये वाला जो छोटा रास्ता है यहाँ पे, इसके थ्रू ये लार्ज वाटर बॉडी और ये लार्ज वाटर बॉडी आपस में मिले हुए हैं। तो इस तरह के रास्ते को हम क्या देते हैं, स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर भी है यहाँ पे। इसके अलावा आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाम सुना होगा जो कि यहाँ पर है। ये देखिएगा, मैं इसको ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर ये देखिए, एक ये लार्ज वाटर बॉडी है, दूसरी ये लार्ज वाटर बॉडी है। तो ये एक नैरो चैनल है, तो ये आपस में ये लार्ज वाटर बॉडी और ये लार्ज वाटर बॉडी इस नैरो चैनल के थ्रू आपस में मिले हुए हैं, तो इसको भी हम कह देंगे स्ट्रेट। इस स्ट्रेट का नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। इससे पहले हमने जो डिस्कस की है यहाँ पे, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसके अलावा एक फेमस स्ट्रेट और भी है जिसको हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का। यहाँ पे इस साइड पे भी लार्ज वाटर बॉडी है, इस साइड पे भी लार्ज वाटर बॉडी है। तो ये दोनों लार्ज वाटर बॉडीज़ एक नैरो चैनल के थ्रू आपस में मिले हुए हैं, तो इसको भी हम नाम दे देंगे स्ट्रेट का। ये देखें, नैरो चैनल है। इस साइड पे जो है, यहाँ पे भी लार्ज वाटर बॉडी, इस साइड पे भी लार्ज वाटर बॉडी, तो हम इसको नाम दे देंगे स्ट्रेट का। और ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, इसकी डिटेल हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो दूसरी टर्म जिसके बारे में आज हमने सीखना था वो है इस्थमस। तो इस्थमस को देखते हैं क्या है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये देखिएगा कि ये ऊपर जो है एक नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है जिसे हम नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। ये नीचे साउथ अमेरिका है, ठीक है। ये दोनों देखेंगे, ये बड़े लैंड मासीज हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये दोनों लैंड मासीज एक छोटे से रास्ते के थ्रू जो यहाँ से ये गुजरता हुआ जा रहा है, मैं आपको इसे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे, ये वाला लैंड मैस और ये वाला लैंड मैस आपस में इस छोटे से रास्ते के साथ कनेक्टेड हैं। तो जब दो बड़े लैंड मैसेस एक छोटे रास्ते के थ्रू आपस में कनेक्टेड हों तो उसको हम कहते हैं, उस छोटे रास्ते को इस्थमस कहते हैं। तो ये देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैनामा, तो इसको कहेंगे पैनामा इस्थमस। वो कैसे, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा लैंड मैस जो है और नीचे वाला, ये दोनों इसके थ्रू आपस में मिले हुए हैं, तो इसको कहेंगे इस्थमस। तो ये बेसिक डिफरेंस था हमारे पास स्ट्रेट में और इस्थमस में। थैंक यू सो मच।